अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महस किचन। बेहतरीन और लजीज खाने के लिए मेरा चैनल सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबाकर, और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ चिकन चरगा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दही, 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबलस्पून ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच यानी 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, 1 चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर, 3 से 4 चुटकी डालेंगे इसमें रेड फूड कलर, 2 बड़े चम्मचे डालेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम काला नमक और 1/2 नींबू निचोड़ देंगे इसमें, और जो हमारा मैरिनेशन है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो दही है हमने गाढ़ा दही लिया हुआ है, और इस तरीके से हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब जो है हमारी चिकन, यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो की मुर्गी है ये, जिसको साफ कर लिया है और धोकर सुखा लिया है, और इस पे हम इस तरीके से डीप कट्स लगाएंगे। इस तरीके से कट्स लगाने पे जो चिकन है वो ड्राई नहीं होगा और जो मसाला है अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से कट्स लगाएं ड्रम स्टिक्स पे अच्छे से। इस तरीके से जब हम कट्स लगा लेंगे उसके बाद में इस पर मैरिनेशन अप्लाई करेंगे। जो मैरिनेशन है इसको अच्छी तरीके से इस पर मसाज करेंगे हम कुछ मिनट के लिए, अंदर की तरफ और बाहर अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसको हम रख देंगे 5-6 घंटे के लिए, ये तकरीबन 3 घंटे के लिए कवर करके। अब हम जो है स्टीम करेंगे चिकन को, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से बर्तन में पानी लिया हुआ है और छन्नी डाल रख दी है इसके ऊपर। तो 5-6 घंटे हो गए हैं और चिकन जो है हमारा स्टीम करने के लिए रेडी है। तो इसके जो लेग्स हैं इस तरीके से हम इसको टाई कर लेंगे एक धागे की मदद से, और मैंने पानी में नींबू इसलिए डाला है ताकि जो मेरा बर्तन है वो काला ना हो जाए। और चिकन को हम स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो जो पानी में हल्की हल्की भाप आ रही है, अब चिकन को इसमें डाल देते हैं हम, और जो हमारा एक्स्ट्रा मैरिनेशन है चिकन के ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। अब जो है हम इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए भाप में कुक करेंगे। 10 मिनट बाद चिकन को इस तरह दिखेगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे इसी में दूसरे गैस पे। तब तक हमने तेल रखा हुआ है चिकन को फ्राई करने के लिए। जब तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे चिकन, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। कुक मीन्स हमको इसको अच्छे तरीके से बस कलर देना है और इसको क्रिस्पी करना है। तो जब ये एक तरफ अच्छे तरीके से हो जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक कर लेंगे हम।
जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे तरीके से, कलर इसका चेंज हो गया है, तो इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल को भी रिमूव कर लेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त सा चिकन चरगा तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस इस पर डाल देंगे। गरम गरम इसको सर्व करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ट्राई करें ये रेसिपी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी ये रेसिपी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।